अकाउंट्स रिलेटेड कुछ नहीं है, आपको कुछ टर्म्स समझ आएंगी कि सर किस तरीके से चलता है। तो हेडिंग डाल लेना बच्चे, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट्स। मेरा आपसे सवाल है, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? एक बिजनेसमैन को किस चीज का डर है कि मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाए ताकि वो मेरे लिए बच जाए, या मेरे को ये डर है मुझे भाई ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करना ही है क्योंकि उसके नीचे पीएनएल के सारे खर्चे हैं। तो आपके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट का इंश्योरेंस होगा, नेट प्रॉफिट का होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपको, आप जो भी ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो गारंटी। ये बढ़िया है सर, पहले बिजनेस को एक्सपेंड कर लो पूरा करोड़ों का, खुद आग लगा लो, फिर घर में आराम से बैठो, इंश्योरेंस हो रखी है, लाइफ टाइम देगी क्या इंश्योरेंस? आप रिवाइव जब तक कर रहे हो, 6 महीने 8 महीने में आपको पैसा दूंगी, उसको बोला जाता है इंडेमनिटी पीरियड। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपके बिजनेस प्रोसेस हैम्पर हो रहे हैं, सही से नहीं चल रहे, फैक्ट्री में आग लग गई, प्रोडक्शन नहीं हो रही, 6 महीने 8 महीने 1 साल तक मैं आपको गारंटी दे रही हूँ तुम्हारा प्रॉफिट में देने को तैयार। लेकिन क्या तुम आग लगने के बाद घर में आराम से बैठे हो? वो तो मैं 10 साल तक ग्रॉस प्रॉफिट दे दूंगा, ऐसे समझ रहे हो? तो एक टर्म भी होता है कि कितने टर्म तक मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस बात को बच्चे, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट्स। कैप्चर कर लेंगे, ट्रेंड होगा, पिछले साल 20% था, इस साल मार्केट ट्रेंड है 25%, आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी को 25% के हिसाब से इंश्योर। ठीक है, आपको जरूरत समझ आ गई एक बिजनेस नेम के लिए क्या है ना बच्चे, मतलब इस चीज को लिखना मत, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। अगर मेरी सेल्स है 1000 और कॉग्स है 400, ये क्या होता है सर? कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या होता है कॉग्स? और कॉग्स और कोई फॉर्मूला भी बताओ, माइनस तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे ही तो ऐसा है। सेल्स आप क्रेडिट साइड पे लिखते थे ट्रेडिंग में, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस प्रोसेस का माइनस करोगे तो उसी को तो कॉस्ट बोलते हैं, कॉग्स बोलते हो ना। तो मुझे बता दो ये जो 600 रुपए आ रहा है ये क्या है तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट है, ये समझ आना चाहिए। ये आपका क्या है बेटा? इसके बाद मेरे को किसी को पेमेंट नहीं करनी क्या? सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर मालिक का। सर बहुत सारे खर्चे होते हैं सर, मान लो लेस सैलरी 100 रुपए, रेंट 50 रुपए, डेप्रिसिएशन 30 रुपए, बैड डेट हो गए 20 रुपए, फाइनली क्या आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट? कितने रुपए आ गया बेटा? 400। मेरा आपसे सवाल है, तुम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराने गए हो, किस चीज की इंश्योरेंस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट? क्यों? सो दैट आप इन सब लोगों को पेमेंट हाँ सर, डेप्रिसिएशन पेमेंट नहीं करे, मेरा तो जनरल खर्चे लिखे हैं, लेकिन रेंट तो देना है, सैलरी तो देना है, इंटरेस्ट तो देना होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर वो तो देना, कितने सारे खर्चे होंगे, समझ रहे हो?
जो खर्चे आपको देने ही देने होते हैं और जिसकी आप इंश्योरेंस करवाते हो उसको बोला जाता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर मतलब समझ नहीं आया है क्योंकि मैं तुमसे ऐसी भी बातें कर रहा था कि उस जगह पर पहुंच गया था, मतलब बोल रहा हूँ मैं पूरा अभी ऐसे हो सकता है नहीं बोलूंगा, लेकिन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एक वर्ड होता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एक वर्ड होता है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग। पहले समझिए स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अगर आग लग गई, चोरी हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने जिसको पेमेंट करने का बैठा हो आपकी फैक्ट्री में आग लगी, मैं क्या करूंगा सर, मैं थोड़ा नुकसान करूंगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ का रेंट है, मैं बोलूँ कि कोविड आ गया बंद हो रहा है, तो मानेगा रेंट कम कर, मैंने लोन ले रखा है तो मानेंगे कि इंटरेस्ट चलो मत दो, नहीं होता ना ऐसा, हल्का फुल्का कोई नेगोशिएट होता है वो अलग बात है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ जो पेमेंट आपको करनी ही करनी है बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, पहले मैं बोलूंगा स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग मतलब भाई चाहे फैक्ट्री चले या बंद हो जाए खर्चा तो जाएगा, अब दिमाग सर ये फिक्स चार्ज हुआ, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, फिक्स चार्ज नहीं है ये आपका जो भी रिकरिंग खर्चा जो आपको देना ही देना है। मेरा आपसे सवाल है, आग लग गई है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल स्टैंडिंग को क्या चार्जेस, नहीं भाई आग लग गई जब मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो क्या बात तो परचेज कर रहा हूँ, लेबर को जो पैसा दे रहा हूँ नहीं दूंगा भाई, लेकिन एम्प्लॉय को, हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉय बैठा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो चल रहा हो तो चलेगा ना सर, रेंट जो चल रहा हो तो चलेगा ना, तो उसको मैं बोल रहा हूँ स्टैंडिंग चार्जेस। इसमें से कौन से स्टैंडिंग चार्जेस लग रहे हैं आपको, बैक डेट इज नॉट अ स्टैंडिंग, ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग मतलब जो होना ही हो, जब इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी बेचती है ना तो वो कहती है तुम्हें इसी बात का डर है ना कि तुम ये 150 रुपए नहीं निकाल पाओगे, तो ठीक है इसका मतलब तुम इसकी इंश्योरेंस ले लो। मैंने कहा पर मैं ना इसकी इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना प्रीमियम कम करना चाहता हूँ। मेरा नहीं नहीं आप कहाँ लगती है जी, चलो सैलरी की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, ऐसी छोड़ो रेंट छोड़ो। तो जो खर्चा मैंने इंश्योर करा लिया उसको क्या बोलूंगा बेटा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग। सर और क्या मतलब है, सिर्फ इतना समझो वो खर्चे जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है हाँ मेरे को इस खर्चे की इंश्योरेंस चाहिए, और वो खर्चे जिनकी इंश्योरेंस मैं नहीं करता उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं और भी बातें बोलूंगा, हालांकि मैं इसको एकदम स्टार्टिंग में नहीं बोलता, मैंने थोड़ा बहुत बोला, ठीक है। तो मैं कुछ नोट्स लिख लेते हैं, चलो अब इतनी बात करी है तो आ जाऊंगा उस पॉइंट पर, मतलब अभी नहीं बोल सकता कुछ ऐसा, अपने आप आपको धीरे धीरे भी क्लियर हो जाएगा। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ये होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस to be paid irrespective of the production, sales, operations, etc. भाई ये पैसा तो देना पड़ेगा। और इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्ज क्या होती है, जिसके तुमने इंश्योरेंस ले लिया, और अनइंश्योर्ड क्या होता है जिस खर्चे की इंश्योरेंस हमने नहीं। पर आप बोलोगे सर हम तो ग्रॉस प्रॉफिट की इंश्योरेंस ले रहे हैं, हाँ तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट में भी पूरी इंश्योरेंस नहीं ले रहा, और डिटेल्ड बात पर कहां तक जाएगी कर लूंगा बात, यहां तक क्लियर है आपको। अब आइए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें फैक्ट्री के अंदर आग लगेगी और इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या लॉजिक्स लगाएगी, आइए बोलिए।
इस एग्जाम्पल में ना बच्चे सारे पॉइंट्स आएंगे, ये एग्जाम्पल 40-50 मिनट चले। कह सकता है, लेकिन कई चार्जेज ऐसे भी हैं जो स्टैंडिंग नहीं है तो वो नहीं होगा, बट हम उतना डिटेल लॉजिक में जाएंगे। मैं खर्चों को या तो एक शॉर्ट में तोड़ूंगा या अन शॉर्ट। ठीक है, अब देखना बच्चे मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल अब आपका चलेगा, लंबा एग्जांपल चलेगा, और कोई अकाउंटिंग नहीं करनी हमने, हमें इंश्योरेंस के बिजनेस को थोड़ा सा समझना है वो क्या करते हैं। ये मान लो 1/4/19 है से लेकर 31 मार्च 20, और ये है 31 मार्च। और सर इस डेट को फैक्ट्री में आग लग गई है सर, आप ठीक से बनाना बेटे। कौन सी डेट को लग गई है आग सर? 1st of December 2000 फैक्ट्री में आग लग गई है। अगले दिन से प्रोडक्शन चालू हो जाएगी क्या? टाइम लग जाएगा। और मान के चल लो मैं एक ही महीने का कर देता हूं, इस वजह से मेरी जो सेल्स है वो खराब हो गई सर। कितने महीने खराब हो गई? 1 महीने। तो कब तक खराब हुई है? 1 जनवरी 2021। इस पीरियड को बोला जाता है डिसलोकेटेड पीरियड, इस पीरियड को बोला जाता है डिसलोकेटेड पीरियड। इंश्योरेंस कंपनी पूछ रही है आपसे कि क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई। अच्छा अच्छा, एक चीज और साथ साथ बोलता जाऊंगा, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एक अमाउंट की, अमाउंट में लिख दूंगा मैं क्या अमाउंट लिखूंगा उसके हिसाब से भी डालूंगा। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है तुम्हें इतने महीने चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो है 6 महीना। लेकिन मेरी सेल्स कितने पीरियड अफेक्ट हुई है? 6 महीने तक पैसा मिलता है, 1 महीना इंडेमनिटी पीरियड या फिर जो डिसलोकेटेड है, विच एवर इज लेस। और अगर मेरी सेल 9 महीना अफेक्ट हो जाती तो 6 महीने से ज्यादा नहीं देंगे जी गारंटी। समझ रहे हो मैक्सिमम कितने पीरियड तक आपका ग्रॉस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है? 6 महीना। पर आप खुद ही कह रहे हो 1 महीना खराब है तो 1 महीना। यहां तक क्लियर है? अब जो बिजनेस मैन है वो कह रहे हैं सर मेरी तो सेल्स डिसलोकेटेड पीरियड में मैं तो बहुत ही कम सेल कर पाया। इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा कितना सेल कर पाया? सेल्स ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर ही बन रहा ना बेटा ये, ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की सेल सर मेरी हुई है सर, 2 लाख की टोटल। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अगर ये आग नहीं लगी होती तो, अब आप लॉजिक पकड़ सर, अगर ये आग ना लगी होती तो मैं 10 लाख की सेल करता, आग लगी तो कितने की सेल कर रहा हूं, मेरे को कितने रुपए की सेल का नुकसान है? मैं 8 लाख दूंगा क्या आपको? मैं 8 लाख के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दूंगा। मान लो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 10%,
तुमको नुकसान कितने का, आई मीन 8 लाख का 10% मैं वो गारंटी दे रहा हूँ, 80,000 दूंगा। समझ रहे हो क्या करने जा रहा हूं? तुम्हारी जितनी से ठीक है, फैक्ट्री की आग इमेजिन कर, ठीक है, तुम्हारी जितनी भी सेल है, जो भी शॉर्ट सेल्स है, जो तुम आग लगने की वजह से नहीं कर पाए, शॉर्ट सेल्स कितनी निकाली थी मैंने, 8 लाख, अभी तुम 2 लाख कर रहे हो। अगर आग ना लगी होती, मान लो 10 लाख करते, तो कितनी कम करी, 8 लाख, 8 लाख पे तुम कितना कमाते, 10% ना, 80,000 दे रहा हूं, यही है ना लॉजिक। तो आइए, इंश्योरेंस कंपनी कैसे निकालेगी, वो बोलेगी तुम ये बताओ इसी पीरियड में पिछले साल कितनी सेल, सारी बातें डिफाइंड चल रही, यानी कि मेरे को कौन से पीरियड का चाहिए होगा बच्चे, 1 दिसंबर 19 1 जनवरी, ये इसी पीरियड का प्रीवियस ईयर हो गया ना, तो बेसिकली इस टाइम पर आपने सेल करी थी मान लो 5 लाख रुपए का। सर जी पिछले साल मैंने 5 लाख करी थी, इंश्योरेंस कंपनी कहती थी ठीक है, इसका मतलब कितनी शॉर्ट सेल हुई, उसने कहा नहीं, मेरी हर साल से ग्रोथ होती है, पिछले साल अगर मैंने 5 लाख करी तो उससे क्या है, मैं हर साल की ग्रोथ पकड़ता हूँ भाई साहब, इस साल मैं 5 लाख ना करता, 10% और ज्यादा करता, मेरे टर्नओवर का ट्रेंड है, तो मैं अभी ट्रेंड घुसाऊंगा नहीं वैसे, बट आपको लॉजिक दे रहा हूं ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले आप ये समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेंगी, सेल्स ड्यूरिंग 1 दिसंबर 19 टिल 1 जनवरी 20 कितना था बच्चे, 5 लाख, टर्नओवर पिछले साल 5 लाख था, इसमें मैं प्लस माइनस ट्रेंड करूंगा, ट्रेंड बोले तो सर हमारा पैटर्न चल रहा 10% हाई या 5% डिक्रीज, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया हो, तो प्लस माइनस ट्रेंड इन टर्नओवर बेटा, और मैं अभी ट्रेंड कितना लेके चल रहा हूं, 0%, कोई ट्रेंड नहीं है जी, पिछले साल 5 लाख मान के आपके पास इस साल भी 5, पहले तो ये 5 लाख आया लेस सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेटेड पीरियड 1 दिसंबर 20 से लेकर 1 जनवरी 21, कितने रुपए की सेल थी बेटा, 2 लाख, मेरे को बता दीजिए ये जो 3 लाख है ये तुम्हारा आ गया शॉर्ट सेल्स, सिंपल है ना। तो सर 3 लाख रुपए, 3 लाख थोड़ा तुम इस 3 लाख की सेल पे 3 लाख थोड़ा कमाते, फिर मेरे से पूछा जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या, समझ रहे हो, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आपको ना क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे तो, बट अगर गिवन नहीं होगा तो जो भी पिछला साल क्लोज हुआ है उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेट कौन से साल का बेटा, जो भी फायर से पहले वाला कंप्लीट ईयर है, ऐसे मत करना सर यहां से यहां का ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, ऐसा थोड़ा ना चल रहा है, फायर जिस साल में लगी है उससे पिछले साल,
ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ, इस केस में कौन सा लूंगा मैं, 19-20 कितना परसेंट है, मान लो 20%। उसने कहा मैं इस साल ग्रॉस प्रॉफिट 20% कमाता, हमारी इंडस्ट्री का ट्रेंड है 5% का इंक्रीज हो जाता, टर्नओवर का भी ट्रेंड हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट का भी हो सकता है, तो मेरे को प्लस माइनस ट्रेंड, क्योंकि बेटा मेरे को तो करंट ईयर के हिसाब से देखना है ना, 30 साल में क्या कमाता, तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं, नील, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या हो गया, 20%। तो आपको ध्यान रखना है दो जगह पे ट्रेंड आ सकता है, एक तो टर्नओवर का भी ट्रेंड है और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट पे। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए का क्लेम करना चाहते हो तुम, 3 लाख के ऊपर, दैट इज, दिस इज योर क्लेम नंबर वन। तुम इंश्योरेंस में बोलो तो भाई 60,000 क्लियर है बच्चे, ये सर खत्म हो गया, नहीं बेटे ये पहला पॉइंट खत्म हुआ आपका, ये आपने क्लेम, नेक्स्ट पॉइंट देखना एक बार। सेकंड पॉइंट है, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारी फैक्ट्री है और तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, क्या करोगे, पहले आग लग रही है अभी, क्या करोगे, रोगे, रोने से नहीं बुझने वाली, पानी डालना पड़ेगा मैडम, आंसुओं से बुझा देंगे सर, तुझे कुछ हो गया, मैं तो बुझाऊंगा, तू बता तू क्या करेगा, तू और आग लगा क्या बुझाएगा, घी डालोगे, तो सर कह रहा था वो घी डालेगा तेज हो जाएगी, आप पानी डालोगे वो बंदा घी डालेगा आग जल्दी तेज हो जाएगी, और तू क्या करेगा, बैठ के देख लेंगे, स्टेटस डाल देगा, ओ माय गॉड फायर, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आग लगती है तो आप एक चीज समझिए कि आग बुझाने के लिए खर्चे करे जाते, नहीं करे जाते, फायर ब्रिगेड को बुला रहे हो, ठीक है, लोगों को बुला रहे हो, बोलो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा पानी डाल दे, ठीक है, तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं ना, तो ठीक है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो भी है, फायर एक्सटिंग्विशर खरीद के लाए 500 600 और आग बुझा रहे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये जो पैसा जो आग लग गई है और आप अब जो खर्चा कर रहे हो, ये इसका भी क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर आग बुझेगी तो उतनी जल्दी तो तुम रिवाइव करोगे और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को भी तो फायदा मिल रहा है, क्योंकि अगर तुमने आग नहीं बुझाई तो हो सकता है ये जो 1 महीने का डिसलोकेटेड है वो 3 महीने हो जाता, एग्जाम्पल के तौर पर, और क्या इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान भी होगा इस बात से, तो इंश्योरेंस कंपनी इंसेंटिव देती है कि तुम्हें आग बुझानी चाहिए, ऐसे मत बैठ जाना चेयर लगा के, लगने दो आग आराम, 6 महीने आराम या कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टॉक बचा क्या मेहनत कर, समझ रहे हो, तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट करती है आप आग बुझाओ, जो भी खर्चा होगा हम आपको, ठीक है, तो अब बेसिकली कुछ एक्सपेंसेस होंगे जिसका आपको और क्लेम मिलेगा, expenses incurred during fire, तीन टाइप के खर्चे होंगे बेटा, एक होगा एक्चुअल
एक्सपेंस। इंश्योरेंस कंपनी को तुमने बताया जी जब आग लगी थी ना तो मेरे कितने रुपए लग गए जी? 15। जो तुम इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मांग रहे हो? 15,000। लेकिन ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ लॉजिक्स लगाएगी। लीस्ट ऑफ फॉलो, ये तीनों का जो सबसे कम आएगा आपको उसका पैसा मिलेगा। सर कैसे निकलेगा अगला देखना जरा। एक्चुअल एक्सपेंस इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर ये आप क्या बोल गए, छोड़ो मैं बेटा लिख लो एक बार पहले। तो मुझे बस इतना बता दो, मैथ्स तुमने पढ़ी हुई है, बेसिक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लिमिट नंबर ए ज्यादा आएगी या लिमिट नंबर बी? बी ज्यादा आएगी। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस UISC ये ज्यादा आएगी भाई, सब बच्चों को समझ आ रहा है, यही तो ज्यादा आएगी। हाँ जी सैदुल जी बिल्कुल करेक्ट भाई, अगर ये 15,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 80 मान लो 100 रुपए आ गया, ये कुछ ये 100 रुपए आ गया और 5 है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू गिर जाएगी अपने आप। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, तुम्हारे क्लेम को रिड्यूस कर रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग लिमिट नंबर बी। और वो क्यों रिड्यूस कर रही है, क्या चीज ऐड कर रही है, क्योंकि अगर तुमने कुछ इंश्योरेंस नहीं करवाई, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो तेरे को पूरे 15 भी नहीं दूंगा। जब तू सारी चीज की इंश्योरेंस ही नहीं कराता, बकाया तेरे को 15,000 दूंगा। अब समझ रहे हो लॉजिक क्या है? अगर सर ये जीरो होता इसका मतलब क्या होता, मैंने हर चीज की इंश्योरेंस कराई, और अगर मैंने 1,000 रुपए की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी, कुछ कोई खर्चे थे उसको छोड़ दिया, तो सरकार क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, आपके इस 15,000 के क्लेम को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर रही है। लॉजिकल बात है ना। अब मुद्दे की बात है सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी क्या है, एएटी क्या होता है आपको जानना बहुत जरूरी है। AAT stands for adjusted annual turnover immediately before the date of fire। बेटे आग लगने से, आग लगने वाले दिन से पहले का एक साल उसको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। सर ये ट्रेंड क्या है बेटा, मैं ट्रेंड रख ही नहीं रहा था कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने ट्रेंड रखा क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आपको सिंपल सी बात इतनी समझनी है, इस डेट से लेकर इस डेट तक अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टर्नओवर है 30 लाख, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ए भाई आग लगने से पहले का एक साल का टर्नओवर क्या होता है, ए डी। कोई दिक्कत? और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना चल रहा है, 20%। आइए जरा इसमें लगाते, एक्चुअल एक्सपेंस है मेरा 15,000 का, 20% ऑफ 80 कितना था मेरा, 30 लाख अपॉन 20% ऑफ 30 लाख। और बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, एज्यूम कर लो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000। सर क्या होता है, कर लेंगे बेटे बात, आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना आपका 10,000। ओके अब आप मुझे बता दीजिए,
लिमिट नंबर बी कितनी आ रही है? छह लाख का पॉइंट 6,10,000 हो जाएगा, 1475 कम हो गई ना अपने आप, क्लियर है? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में आपका वर्ल्ड, ठीक है, और आपको पता लगे वर्ल्ड हो गया तो दुख होगा? आधार कार्ड लाइसेंस खो जाए उसका कोई दुख? पैसे कितने होते हैं तुम्हारे वॉलेट में? बहुत पैसे होते हैं, मतलब पापा ने बहुत पैसे भेजे हैं तुम्हारे, दीक्षा जी इज रिच, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा वॉलेट मार्केट में गिर गया और तुमने अपनी पॉकेट चेक करी, तुम्हें वॉलेट का खो गया और उस वॉलेट में बेटा 2,000 रुपए थे, अब बताइए दुख होगा? होगा। और एक पीछे से कोई इंसान आता है और कहता है भाई साहब आपको वॉलेट, कितना अच्छा इंसान होगा, और उसने फिर आपको बोला कि अब मैंने इतनी ईमानदारी दिखाई है मुझे इनाम दे दो 10 रुपए, तो वापस भाग जाएगा, ठीक है। वो इनाम मांग रहे कि यार आपके इसमें वॉलेट में 2,000 रुपए पड़े थे, ठीक है, तो अब मैंने ईमानदारी दिखाई है तो आप इनाम दो, कितने रुपए दो? 10 रुपए, 10%। तूने अगर आगे से कोई मेरा वॉलेट ढूंढा मैं समझ जाऊंगा कि 90% आया मेरे पास, 90% नहीं आएगा, 10% आएगा आपके पास, क्या आएगा मेरे पापा को फोन करूंगा, ठीक है। लेकिन वो अच्छा, तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे थे? 2,000। उसे का इनाम दे दो तुम्हें कितना? उसने का 5,000 का इनाम। ले जा भाई ले जा, समझ रहे हो? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको जो फायदा हो रहा है, आपको 2,000 का मिल गया, आपको लगा बच गए मेरे 2,000, तो क्या उस चक्कर में भी जो 5,000 दे दो? नहीं दोगे ना। मैक्सिमम कितने दे दो? मैक्सिमम 2,000। अब ये लॉजिक अपने आप तुमको समझ आएगा, अपने आप तुम्हारे दिमाग में। मैक्सिमम 2,000 हो ही गया था तुम्हारे लिए, तो समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस कंपनी कहती है, मैं एक लिमिट लिखता हूं, दो लाख के ऊपर 20%, 40, किसी को समझ आया? चालीस हजार लिमिट आ, 2,00,000 कहां से लाए? देखो 2,000 था ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि तुमने खर्चा करा आग बुझाई ना, उस वजह से तुम 2,00,000 रुपए की सेल कर पाए, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिला, इस 2,00,000 के ऊपर 20% उसको तुम्हें नहीं देना। एक बात बताओ, अगर तुम बैठे होते चुपचाप, अगर तुम चुपचाप बैठे हो, आग लग रही है लगने दो, तो यहां पे सेल कितनी होगी? मैं अज्यूम करूंगा 0, लेकिन तुमने एफर्ट डाला तो सेल कितनी होगी? क्या इंश्योरेंस कंपनी को फायदा नहीं हुआ? कितने का फायदा हुआ? 2,00,000 का 20% बच गया मेरा 40,000। तो वो ये देख रही है इस खर्चे की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हुआ? अब समझ आया मेरे पॉइंट?
अब मुझे बताओ, अगर तुमने यहाँ पे 15 लाख रुपए लगा दिए होते आग बुझाने के लिए, वो तो 15 लाख दे देता। मैं तो भाई मत ही बुझाता आग। तुम कह रहे हो तुमने 15 लाख का खर्चा कर दिया फायर एक्सटिंग्विशर को, और उसकी वजह से मेरे को क्या फायदा मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी को? 40,000 बच रहे मेरे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस में देख भाई ये खर्चा करने से मुझे क्या फायदा, वो मैक्सिमम उतना दूंगी मैं। तुम यहाँ पे आके बिल लगा दो 15 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, 15 लाख दे दूंगी तुम्हें, उस खर्चे की वजह से मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो देखना मुझे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बट इन रियलिटी हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था वो क्या है अभी 15, तो वैसे तो उस हिसाब से तो लीस्ट कौन सा आ रहा है, आपको 14 दे। लेकिन मान के चल लो अगर ये 4,000 होता, इंश्योरेंस कंपनी को कितने का फायदा मिला होता? 4,000। फिर क्यों तुम अधिक हो यार 14,000 रुपए? तुम्हारे एक ऐसा खर्चा करा उसके से मुझे फायदा ही 4,000 का हुआ है, मैं थोड़ा था 15,000 इन्वेस्ट कर, लेकिन तो दिखूं उस खर्चे से मुझे इतना फायदा क्या हुआ? आपको समझ आया मैं क्या बोला? हाँ जी आई थिंक आगे होगा समझ या नहीं आया? आ गया ना, मतलब इसको ना ऐसे देख लो, ये 40,000 है, सपोज करो वो बंदा बोलता 150,000 का खर्चा है, मैं तो क्यों करा भाई इतना खर्चा, तेरे इस खर्चे की वजह से इंश्योरेंस में कितना फायदा मिल रहा है सिर्फ 40,000, मैं नहीं दूंगा भाई 1.5 लाख रुपए, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये आपका आ गया, और फाइनली आपका ये एक और पॉइंट आ गया जो पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो 40,000 दूंगा मैडम आपको, आप अगर यहाँ पे मुझे 1.5 लाख का खर्चा बोलोगे यहाँ पर 1-0 और बढ़ जाएगा, आपको क्या लग रहा है मैं आपको ये दे दूंगा? आपके उस खर्चे की वजह से मेरे को 40,000 का बनता है, समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे? सर ये 14,000 फिगर मिलेगा हमें, क्या बोल रहे 4,724 मिलेगा। हाँ लोग ऐसे भी तो गड़बड़ करते हैं ना, एक्सपेंस टू बी क्लेम्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 14,750। नेक्स्ट इज बेटा लास्ट पॉइंट है वैसे सेविंग्स इन एक्सपेंस, सर आग लगने की वजह से कई खर्चे मेरे बच जाएंगे या कुछ चीजें बच गई हैं जो स्क्रैप वैल्यू है, तो मेरे को कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है ना? तो बेसिकली मान लो 10,000 रुपए की तुम्हारे को सेविंग्स होगी, ठीक है जी? आप मुझे बताइए मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांग रहा हूँ, 60,000 दे दो, ठीक है ना? एक महीने का मेरा कितना है 60,000 का खर्चा, 60,000 का ग्रॉस ऑर्डर मेरे को आप दो, प्लस आप कितना दो मेरे को, और मेरी ना ये सेविंग्स हो रही है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरी सेविंग है, तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टोटल
माइनस 10 आग लगने की वजह से तुम्हारी कुछ सेविंग्स हो गई हैं, ठीक है, मतलब कुछ खर्चे हैं जो कि अब आपके नहीं होंगे, या आग लगने की वजह से कुछ जो मटेरियल है, ठीक है, उसकी कुछ सैलवेज वैल्यू, तो ये तुम्हारे को कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, सैलवेज वैल्यू से ज्यादा ये लेके चलो, आग लगने की वजह से कुछ खर्चे तुम्हारे नहीं होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को माइनस कर, बताइए क्लियर है आपका टोटल क्लेम कितने का है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी आप मुझे बताओगे कितना है? हमारा निकला था ना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एएटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना था? 20% ऑफ आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 1,00,000 की, पॉलिसी अमाउंट कितना है आपका? तुमको 1,00,000 तब मिलता, पॉलिसी अमाउंट कितना मेरा? 1,00,000, 1,00,000 तब मिलता, तुम्हारा नुकसान कितने का होता? हमारा नुकसान कितने का होगा? समझ आई बात? ये ऐसे ही निकलना, तुमको आखिरी पॉइंट जो है ये एवरेज क्लॉज है, याद है? तो बेसिकली मुझे अगर 6,00,000 का नुकसान होता तो मेरे को कितने रुपए मिलते? लेकिन बेटा नुकसान कितने का हुआ है? 64,754। कैसे निकालोगे बेटा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000 इंटू 64 कितना अमाउंट आ जाएगा? कुछ कितना? 10,000। आप ये कह सकते हैं ये 1,00,000 क्या हुआ? पॉलिसी अमाउंट, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? क्लेम, और डिवाइड किससे कर दोगे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नहीं है ना कहानी, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट और जड़ी है ना, तो इसका मतलब ये है देख भाई तेरे को जब 6,00,000 का नुकसान होगा तो 1,00,000 मिलेगा, तेरा जो नुकसान है वो मुझे बताइए, कोई दिक्कत? हाँ जी, यार ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड करेगी नहीं करेगी ये इंश्योरेंस क्लेम के अंदर होगा, और हमारे इसमें ना देख जैसे ये किस लॉजिक से क्या करते हैं ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बताया तेरे को बस दिया होगा कि इस वजह से सेविंग हो गई, ठीक है, और वैसे अगर मैं तेरे को लॉजिकली बोलूं ये वो स्टैंडिंग चार्जेस होंगे जो इंश्योर्ड है बट वो नहीं होने, पर मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा उस पर, आपको दिया होगा बस आपको वो माइनस कर, समझ रहे? बताइए बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? तो सर आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है कि सर किस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, मैं हाजी मिलेंगे फाइनल ये 10,790। अब मैं ना मतलब एक पूरा क्वेश्चन करेंगे तो 15-20 मिनट लगेंगे, बट मैं कुछ टर्म्स जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना उसको मैं थोड़ा रीडिफाइन कर दूंगा, मतलब एग्जांपल ये ऐसी जनरल है, जस्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल, तो तुम भाई सेल्स यहां पे दिखाते हो,
सारी की सारी कॉस्ट यहाँ पे दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक उधर दिखा देते हो, ठीक है, और तुम्हारा क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप यहाँ पे कुछ खर्चे माइनस करते हो, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट दे दो, ठीक है। तो मैं उसको कैसे तोड़ रहा हूं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ खर्चे का तुमने इंश्योरेंस करा रखा और कुछ खर्चे तुमने इंश्योरेंस नहीं, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आप मुझे बताइए इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है, तुम इंश्योरेंस कराओ या ना कराओ, जितनी ज्यादा तुम इंश्योरेंस लोगे प्रीमियम उतना बढ़ेगा और फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तुमने किस चीज की इंश्योरेंस लिया, ग्रॉस प्रॉफिट की ना, मैं कह सकता हूँ ये अमाउंट है, ये अमाउंट नहीं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट, समझे आप क्या बोल दिया मैं, भाई तुम इसको जब तुमने इंश्योर नहीं करा रखा, ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट पकड़ा मैंने, मैं क्यों ऐड करूं जो तुमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, बेटा इंश्योरेंस कंपनी तो लॉजिक लगाएगी ना बस किसी भी तरीके, तुम किसानी की तुम करो दो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे भी निकालती, वो कहती है नेट प्रॉफिट है ना आपका, उसमें जो जो आपने इंश्योरेंस कराई है खर्चों की ऐड कर दो भाई ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऐसे एकदम बहुत स्पेसिफिक ऐसे नहीं आता पेपर में, लेकिन तुम्हें इतना तो समझना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्या लग रही है, तुमको ये वाला दे देगी, वो ग्रॉस प्रॉफिट दे देगी जिसकी तुम इंश्योरेंस, मतलब तुम कह रहे हो मुझे ये पैसा दे दो क्योंकि मुझे ये पे करना है, मुझे ये पे करना है, और तुम इसकी इंश्योरेंस ही नहीं ले रहे इस खर्चे की, तो ये पैसा दे दूंगा मैं। तो बेसिकली इंश्योर, और ऐसा मत सोचना कि ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी अपने लॉजिक्स लगाएगी जिससे वो तुम्हारे को प्रेशर डाल सके तुम इंश्योरेंस कराओ, तो इसलिए उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट भी कौन सा लेना है, इंश्योर्ड वाला लेना, और वो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग। देखो ना सीधी सी बात है ना यार, 100 रुपए ही है ये, 20 रुपए है ये, 30 रुपए है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 50, तो नेट प्रॉफिट 50 है, इंश्योर्ड कितना हो गया जी 20, 70 है जी तुम्हारा ग्रॉस, 100 नहीं, एक बात है ना, चलिए इसको नोट कर लो बच्चे, जहां तक आपकी, अब मैंने बातें बोल दी है, मेरे पास बोलने को नहीं है, अब हम एक क्लास और लगाएंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे, अगर इस चैप्टर के अंदर गुरु सर कुछ और रहेगा आपका बोलने का, बोलने का नहीं बचा होगा, 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और वो डन हो, ठीक है बच्चे, क्लियर है, इधर क्लियर है प्रीति जी, क्लियर है आके, क्लियर है, चलो गुड। तो यहाँ पे करते हैं सर, अब कितने बजे आओगे तुम, कितना पढ़ते हो यार तुम बच्चे यार, सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या लिखा है, हाँ जी मैडम, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या लिखा है, माइनस नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट, ये है इनशॉर्ट, ये ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चे जो मेरा इनशॉर्ट है, क्लियर है। अब कितने बजे आओगे, 4:45, ठीक है ये अभी कर ले स्टार्ट, चलो 4:45 पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लबिंग चैप्टर, खत्म कर देंगे बेटे, नेक्स्ट क्लास में आना है, हाँ जी मैडम आना है आपको, सब बच्चों को आना है बेटे, टैग्स 2 बार चलेगी, ठीक है बच्चों, चलो 4:45 मिलते हैं, आ जाओ, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।